हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम इसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, साइमन कमीशन 1928। ठीक है, साइमन कमीशन हमारे भारत में 1928 में ही आ गया था। इवन क्या किया गया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसमें ये लिखा गया था कि 10 साल बाद इसी एक्ट को देखने के लिए, मतलब क्या करने के लिए, इसको चेक करने के लिए साइमन कमीशन आएगी। लेकिन 10 साल तो 1929 में होता, लेकिन ये 1928 में इंडिया में आ गया था साइमन कमीशन। तो अब हम आज पढ़ेंगे साइमन कमीशन क्या होते हैं, इसमें क्या फीचर्स थे, इसके क्या रीजंस थे, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या होता है, देखो पहले देखते हैं ये कमीशन क्या था। तो ये कमीशन एक स्टैचुरी कमीशन था, जो कि क्या था, देखने आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को चेक करने आया था। ये 7 मेंबर्स की बॉडी थी, मतलब इसमें 7 मेंबर्स आए थे, और कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिपोर्ट द इम्पैक्ट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये क्या देखने आए थे, ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ रहा था, उनके रिपोर्ट, मतलब उनके इम्पैक्ट्स को बताने आए थे, ये उस पर रिपोर्ट बनाने आए थे। इनके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, सर जॉन साइमन इसके चेयरमैन थे, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा था। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट 1913, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट की थी। ठीक है, ये तो था कमीशन के बारे में। अब इस कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई थी, तो अपने कमीशन में इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। तो वो रिकमेंडेशंस क्या थी, इन्होंने बोला था जो डायरेक्टरी है, ठीक है, डायरेक्टरी मतलब कि जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट है या ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो पार्ट्स में बांट दिया गया था, उन्होंने बोला इसको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। फिर दूसरा इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, इन्होंने कंटिन्यूएशन, मतलब इन्होंने बताया था कि जो आप कम्युनल इलेक्टोरेट चला रहे हो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रोविंसेस, इन्होंने बताया था कि आप क्या कर सकते हो, ब्रिटिश इंडिया या प्रोविंसेस के फेडरेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंस, इन्होंने बताया कि प्रोविंस में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हायर करना चाहिए, ऐसा इन्होंने ये सब रिकमेंडेशन दिया। लेकिन रिकमेंडेशन कुछ काम की नहीं आई, माना नहीं गया इनके रिकमेंडेशन को। फिर था इस साइमन कमीशन को बहुत ज़्यादा बॉयकॉट किया गया था, ये मुझे बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप सबको पता है हिस्ट्री में इतना साइमन गो बैक का नारा लगा था, आप लोगों को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको क्यों बॉयकॉट किया गया था, तो रीज़न फॉर बॉयकॉट ऑफ कमीशन सबको पता है, बिकॉज ऑल मेंबर्स इन कमीशन वर ब्रिटिशर्स, क्योंकि इस कमीशन के जो 7 मेंबर्स थे, वो 7 मेंबर्स कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, इसलिए क्या किया गया था, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था। कमीशन वॉज अपॉइंटेड 2 ईयर्स बिफोर शेड्यूल, इसमें क्या किया गया था, बोला तो गया था 1929 में, लेकिन इसको शेड्यूल कर दिया गया था 2 साल पहले ही। ठीक है, अपने टाइम से 2 साल पहले ही ये क्या हो गई थी, शेड्यूल हो गई थी। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू।